नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ में हूं संस्कृति। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। भवानी मंडी में कालवा स्थान के समीप दूधाखेड़ी रोड पर एक कार के अनियंत्रित होने से तीन कारों व एक मोटर बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं भवानी मंडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित भीड़ को तितर बितर कर सभी पक्षों से समझाइश की। वहीं टक्कर के तुरंत बाद पुलिस के पहुंचने से बड़ी जनहानि होने से टल गई। गौरतलब है कि भवानी मंडी से दूधाखेड़ी की तरफ जा रही अनियंत्रित मारुति कार ने दो खड़ी कारों को टक्कर मार दी, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर उपस्थित राहगीरों द्वारा भवानी मंडी CHC पहुंचाया गया, जहां घायल का उपचार जारी है। पिड़ावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोटड़ी के रूपपुरा गांव में जिला प्रमुख प्रतिनिधि भागचंद दांगी का ग्रामीणों ने स्वागत किया। दांगी की बहन जिला प्रमुख इसी वार्ड से जिला परिषद सदस्य चुनी गई है, जिस पर वह मतदाताओं का आभार जताने रूपपुरा पहुंचे थे, जहां उनका भाजपा नेता विजय सिंह चौहान की अगुवाई में भाज ग्रामीणों ने पगड़ी बांधकर स्वागत किया। उनके साथ ही जनपद प्रतिनिधि बाबूलाल दांगी का भी स्वागत किया गया। भागचंद दांगी ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करवाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान उनके साथ पूर्व सरपंच लक्ष्मीचंद दांगी, चिचितरलाल दांगी, पूर्व सरपंच जनपद रामप्रसाद दांगी, भाजपा नेता श्रीलाल दांगी, बने सिंह परमार सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। भवानी मंडी उपखंड के आंवली में गुरुवार रात्रि करीब 10 बजे पिकअप एवं एक ट्रक की आमने सामने भिड़ंत होने पर ट्रक ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया, जिसे झालावाड़ रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक पिकअप 407 भवानी मंडी से संतरा भरकर झालावाड़ की ओर जा रहा था, तभी सामने से कोटा स्टोन के पत्थर लेकर भवानी मंडी आ रहे ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके कारण पिकअप में भरे हुए संतरे रोड पर बिखर गए। पुलिस ट्रक का पोस्टमार्टम पुलिस द्वारा करवाया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर मध्य प्रदेश के सुहासरा का रहने वाला है। वहीं दूसरी ओर पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। भवानी मंडी में वाल्मीकि समाज के गणमान्य अमीर चंद तवर, राजू लोट, जुगल किशोर, राम भंजन तवर, मदन लाल तवर, कैलाश चंद गोयर आदि ने नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का अंबेडकर भवन में ट्यूबवेल बोरिंग सेंक्शन करवाने आदि विकास कार्यों के लिए अंबेडकर भवन में एक समारोह आयोजित किया। ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली ने बताया कि जिला अध्यक्ष शहरी निकाय प्रकोष्ठ कैलाश बोहरा का आभार व्यक्त किया और सभी पदाधिकारियों, जिला उपाध्यक्ष राजेश करावन, विनय आस्तोलिया, हरीश राठौर, जोरावर सिंह, राजिक अंसारी, नीता खत्री, हकीम खान, सलीम खान, हाफिज खान, समीउल्ला पठान आदि का स्वागत किया गया। नाहरगढ़ में भाई ने भाई पर तलवार से हमला कर दिया और गोली भी चलाई, जिसमें तीन व्यक्ति घायल हो गए। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के संजीत गांव में एक ही परिवार के दो पक्षों में हुए विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई पर तलवार से हमला कर दिया, वहीं अपनी अवैध बंदूक से गोली भी चलाई। घटना में एक महिला सहित तीन लोग घायल हो गए हैं। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों परिवारों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद भी चल रहा है। दोनों परिवारों के जमीन विवाद की तनातनी के बीच गुरुवार शाम कचरा फेंकने की बात पर फिर से विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा हो गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई के परिवार पर तलवार से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गोली भी चलाई। गोली चलाने की बात को पुलिस ने नकारा है। मारपीट की इस घटना में एक पक्ष के पिता पुत्र और महिला घायल हो गए, जिसमें शाबिर हुसैन मंसूरी, उनके बेटे सरफराज मंसूरी सहित पत्नी जैनू भी घायल हुई, जिन्हें उपचार हेतु तुरंत ही जिला अस्पताल मंदसौर ले जाया गया। इधर विवाद की सूचना के बाद मौके पर नाहरगढ़ थाना प्रभारी गिरीश जेजुलकर अपनी टीम के साथ पहुंचे, वहीं SDOP सौरभ कुमार भी घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने बारीकी से घटना की जानकारी लेते हुए हमला करने वाले आरोपी गुलाम हुसैन मंसूरी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल पहुंचे घायलों की स्थिति ठीक होने पर उनका उपचार मंदसौर जिला अस्पताल में ही किया जा रहा है। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। क्या घटना हुई है? अभी घायल आए संजीत नाके से, तो तीन पेशेंट आए और तीनों पेशेंट, एक तो साबिर है, सरप्राइज है, और एक जैतून भी करके है, और बोला कि गोली लगने से चोट आना बता रहे हैं, और तीनों पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है और ऐसा कोई डेंजरस तत्व तो कोई दिख नहीं रहा है।
बाकी सब पेशेंट। गोली चलने के कोई निशान घटना गोली चलने के तो कोई निशान नहीं देखे हैं। घटना हुई क्या घटना हुई सिविल हॉस्पिटल घायलों को लाया गया। मैं दोपहर में मंदसौर आया था शासकीय कार से, तो मेरे को अभी शाम का टेलीफोन आया था टीआई साहब का कि संजीत में घटना हुई है और वो लोग रेफर वहाँ से इलाज हेतु मंदसौर अस्पताल आ रहे हैं। बोले तुम तुरंत अस्पताल मंदसौर पहुँचो, तो मैं अस्पताल मंदसौर आ गया हूँ। और अभी इनके परिवार वालों से किसी से बात भी नहीं हुई किस बात पे घटना है, किस बात इस क्या घटना है और क्या हुआ। मल्हारगढ़ पुलिस को मुखबिर की सूचना पर एक लावारिस लग्जरी कार से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने मामले में NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। गौरतलब है कि मल्हारगढ़ थाना प्रभारी कमलेश सिगार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति चंगेरी साधे के पास लावारिस गाड़ी बैजरा छोड़कर चला गया है, जिसका ड्राइवर साइड का कांच फूटा हुआ है। पुलिस ने वहां जाकर देखा तो गाड़ी के अंदर 5 कट्टों में अवैध डोडा चूरा भरा हुआ था जो 80 किलो था। पुलिस ने इसे जब्त कर NDPS के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर आरोपी की तलाश करी है। लावारिस गाड़ी में डोडा चूरा बरामद होने की सूचना मिली थी, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई? हाँ, मध्य प्रदेश शासन द्वारा सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग के माध्यम से नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत संचालित किए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देश दिए थे कि अवैध मादक पदार्थ को नाकाबंदी कर पकड़ा दकड़ी करें। तो हम लोग काफ़ी करीबन एक हफ्ते से हम लोग नाकाबंदी कर रहे हैं। मोबाइल पैटर्न चल रही है, तो कोई तस्कर का मोबाइल पैटर्न देख के हाईवे रोड से चंगेरी रोड पे भागा होगा, जो गाड़ी छोड़ के भाग गया था। लावारिस में गाड़ी में हमारा RJ 27CJ 4854 की वेगनार ब्रेजा गाड़ी थी, और उससे सूचना मिली कि गाड़ी खड़ी है, जहाँ से ड्राइवर साइड का कांच फूटा हुआ था, तो अंदर बोरे भरे थे। तो जाके सूचना पर जाके हम लोगों ने मुताबिक मुखबिर सूचना वगैरह जाके तस्दीक की थी, उसमें 5 बोरे के डोडा चूरा भरवा मिला था, उसमें 80 किलो डोडा चूरा है। रायपुर क्षेत्र के मुंडला में जिला प्रमुख प्रतिनिधि भाग चंदांगी विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मंत्री बाल ठाकरे के निवास पर पहुंचे। इस दौरान दांगी व ठाकरे ने एक दूसरे का स्वागत कर बधाई दी। इस दौरान दांगी ने ठाकरे के निवास पर भोजन भी किया। इस अवसर पर सरपंच विष्णु राठौर, बजरंग दल प्रखंड संयोजक दशरथ सिंह झाला, विहिप प्रखंड प्रचार प्रमुख राधेश्याम पटेल आदि ने भी दांगी का स्वागत कर बधाई दी। इस अवसर पर दांगी के साथ पूर्व सरपंच लक्ष्मीकांत दांगी, मांगीलाल दांगी आदि उपस्थित रहे। अकलेरा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने फीता काट कर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। अकलेरा में मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश मीणा ने फीता काट कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथियों के कार्यक्रम में पहुंचने पर क्रिकेट क्लब के सदस्यों द्वारा फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। क्लब के सदस्यों द्वारा जिलाध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत व सम्मान किया गया। जिलाध्यक्ष कैलाश मीणा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ियों को खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल में हार जीत चलती रहती है। प्रतियोगिता में आने वाले खिलाड़ियों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। प्रतियोगिता में विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार 21,121 रुपए रखा गया। इस अवसर पर सरपंच संघ अध्यक्ष राम सिंह मीणा, जनपद नवल मीणा, कैलाश कारपेंटर, मीणा समाज अध्यक्ष रामदयाल मीणा, पारस जैन, कमल जैन, रामावतार गुप्ता, गौरव गर्ग पचोला, हेमराज राठौर, विनोद यादव, चौथमल मीणा आदि मौजूद रहे। मंदसौर में भाजपा उत्तर मंडल का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ। कार्यक्रम में समय को लेकर पूर्ण अनुशासनता दिखाई दी। राज्य के प्रत्येक जिले में चल रहे भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा पदाधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस अभ्यास वर्ग में कुछ विशेष बातें देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत 19 दिसंबर को हुई। अमूमन देखने में आता है कि कार्यक्रम के शुरुआत में कई जगह फीता काटने की परंपरा रहती है, लेकिन भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में अध्यक्ष अरविंद सारस्वत द्वारा कुछ अलग ही परिपाटी का उपयोग किया गया। उन्होंने भगवा कपड़े को दोनों पिल्लरों से बांधकर दोनों कपड़ों में मिलाकर गठान बांध दी। अतिथि दयाराम धाकड़ व शहर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भगवा कपड़े की गठान को खोलकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन व पार्टी के लिए कार्य करने की अपील की। मंदसौर के BSNL दूरभाष केंद्र पर नवीन मनोरंजन क्लब का शुभारंभ किया गया। मनोरंजन क्लब के माध्यम से अब यहां सेवा दे रहे सभी कर्मचारी काम के साथ साथ मनोरंजन का भी लुफ्त उठा सकेंगे।
अच्छे स्वास्थ्य के मकसद से मनोरंजन क्लब की दोबारा शुरुआत की गई। केंद्र पर इस मनोरंजन क्लब का शुभारंभ किया लोकेंद्र डागोर, जिला प्रबंधक ने किया। प्रबंधक डागोर ने सबसे पहले फीता काटकर क्लब का शुभारंभ कर सभी को बधाई देते हुए कहा कि जानकारी दी कि मनोरंजन क्लब में खेले जाने वाले खेल के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रहने की भी सलाह दी। सभी BSNL कर्मचारियों ने मनोरंजन क्लब के दोबारा शुभारंभ पर हर्ष व्यक्त किया है। आपको बता दें कि मनोरंजन क्लब में टेबल टेनिस, शतरंज, कैरम बोर्ड सहित एक्सरसाइज हेतु उपकरण लगाए गए हैं। अब यहां कार्यरत सभी कर्मचारी काम के साथ साथ मनोरंजन का भी लाभ उठा सकेंगे। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जिको। के माता दाओ एक लीरा बना जारा रे बना जारा रे रे आ दूर देश रहा है मामला अपना हो साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जा रहा रे बन जा रहा रे अन्नपूर्णा हॉस्पिटल फिजियोथेरेपी एवं स्लिमिंग सेंटर, डॉक्टर दीपक वाधवा न्यूरोसर्जन, कोटा हार्ट एवं श्रीजी हॉस्पिटल कोटा, प्रत्येक माह के दूसरे रविवार। डॉक्टर दीपक खंडेलवाल अस्थि रोग एवं ऑर्थोस्कोपी, मैत्री हॉस्पिटल एवं अंजने ऑर्थो एंड गायनिक केयर कोटा, डॉक्टर श्रुति खंडेलवाल प्रसूति स्त्री रोग एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, गायनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जन, मैत्री हॉस्पिटल एवं अंजने ऑर्थो एंड गायनिक केयर कोटा, डॉक्टर सुभाष जैन बाल रोग विशेषज्ञ। अहमदाबाद से ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन की सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध। डॉक्टर विनीत जैन नाक कान एवं गला रोग सर्जन, महावीर ENT हॉस्पिटल कोटा, कानों से कम सुनने वालों की जांच एवं मशीनों की पूर्ण व्यवस्था हर सप्ताह माह के प्रत्येक पहले व तीसरे रविवार। डॉक्टर अभिनव सोनी स्पाइन सर्जन, पूर्वानुभव मुख्य स्पाइन सर्जन, मेवाड़ हॉस्पिटल उदयपुर, मेवाड़ हॉस्पिटल कोटा, प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे बुधवार। डॉक्टर सुभाष चंद आर्य ऑर्थो फिजियोथेरेपिस्ट, आकांक्षा ऑर्थोपेडिक सेंटर, मैत्री हॉस्पिटल एवं आयुष फिटनेस कोटा। दर्द से हताश रोगियों के लिए नई आशा। क्या आप बीमारी का इलाज करवाते थक चुके हैं? क्या आप दवा खाते खाते परेशान हैं? तो निम्न रोगों का
फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी व एक्सरसाइज IASTM विदेशी तकनीक द्वारा बिना दुष्प्रभाव के इलाज। जोड़ों का दर्द व गठिया, कोहनी में दर्द टेनिस एल्बो, एड़ी में दर्द प्लैंटर फैसिटिस, हाथ पैरों में कंपन एवं सूनापन, घुटने का दर्द ऑर्थोराइटिस, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, घुटने में दर्द एवं बढ़ते हुए वजन का इलाज साथ साथ, गर्दन में दर्द, जकड़न, चक्कर आना, फ्रैक्चर एवं सर्जरी के बाद जकड़न स्टिफनेस्टिस, मांसपेशियों में खिंचाव स्प्रेन स्ट्रेन, कंधों का जाम व दर्द फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट की चोट व दर्द, कमर में दर्द लो बैक पेन स्लिप डिस्क PIVD, चेहरे का लकवा फेसियल पॉल्सी, पार्किंसंस, लिखते समय हाथ का कांपना, प्रेगनेंसी के पहले और बाद फिजियोथेरेपी, साइटिका कमर से पंजे तक दर्द, लकवे का सफल इलाज, भौतिक चिकित्सा से तुरंत इलाज प्रारंभ करने पर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ, THR एंड TKR घुटना प्रत्यारोपण के बाद घर पर भी फिजियोथेरेपी इलाज की सुविधा, भर्ती सुविधा उपलब्ध, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कंप्यूटराइज्ड लैबोरेटरी, मेडिकल स्टोर, डिजिटल एक्सरे, भवानी मंडी की डायबिटीज मरीजों के लिए प्रातः 6 बजे से सैंपल फास्टिंग की सुविधा उपलब्ध, साथ ही अत्याधुनिक मशीनों द्वारा समस्त प्रकार की जांचों की सुविधा भी उपलब्ध। नोट, घर जाकर जांचों के सैंपल लेने तथा ऑनलाइन परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध। अन्नपूर्णा टेली हॉस्पिटल और टेम हेल्थ अ स्मार्ट क्लिनिक, गुजरात के अनुभवी एवं सुयोग्य चिकित्सा विशेषज्ञ आपके भवानी मंडी में, विशेषज्ञ डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डी रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ, गैस्ट्रोलॉजिस्ट पेट रोग विशेषज्ञ, डायबिटोलॉजिस्ट मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा एवं यौन रोग विशेषज्ञ, ऑनको फिजिशियन कैंसर रोग विशेषज्ञ, प्लास्टिक सर्जन कॉस्मेटिक सर्जरी के विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग के ज्ञान तंतु के विशेषज्ञ, ENT कान नाक गले के विशेषज्ञ, एंड्रोकिनोलॉजिस्ट अंतःस्रावी थायराइड ग्रंथि के विशेषज्ञ, यूरोलॉजिस्ट किडनी और मूत्र मार्ग के विशेषज्ञ, MD मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर आदि विभिन्न रोग विशेषज्ञ, ECG कार्डियोग्राफ की विशेष सुविधा भी यहां उपलब्ध है, ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। अन्नपूर्णा हॉस्पिटल फिजियोथेरेपी एवं स्लिमिंग सेंटर, डॉक्टर नवीन नागर PT, भवानी मंडी में महिलाओं हेतु एकमात्र स्लिमिंग सेंटर, अत्याधुनिक मशीनों द्वारा व्यायाम एवं डाइट प्लान द्वारा वजन को नियंत्रित कर कम करना, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग समय, विशेष कैविटेशन मशीन द्वारा कमर की साइज मात्र 7 दिनों में 2 इंच कम करना, समय प्रातः 9 बजे से साय 9 बजे तक, हमारा मोबाइल नंबर है 9636257606, 8094776606। हमारे यहाँ अन्य उपलब्ध मशीनें ट्विस्टर एंड डंबल, बॉडी शेयर, डीप हीट ट्रेडमिल, वॉकर, वैक्यूम सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, जुम्बा क्लासेस, एरोबिक्स क्लासेस, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग समय। अन्नपूर्णा हॉस्पिटल, हमारा पता है मगन भाई कॉलोनी, ज्ञान मंदिर सिनेमा रोड, भवानी मंडी, जिला झालावाड़, हमारा मोबाइल नंबर है 9636257606, 8094776606।
रॉयल रेजिडेंसी विला का शुभारंभ अतिशीघ्र आपके शहर में। प्रॉपराइटर राजा बाबू, जिनका मोबाइल नंबर है 9602343388। अजय चौधरी, जिनका मोबाइल नंबर है 9414489343। हमारा पता है शिवधाम आवासीय कॉलोनी, बाजोट रेस्टोरेंट के सामने भवानी मंडी, चौधरी ब्रदर्स मेला मैदान के पीछे भवानी मंडी। श्यामगढ़ का प्रथम ISO मान्यता प्राप्त क्लिनिक आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक न्यूरोथेरेपी सेंटर श्यामगढ़। डॉक्टर के पाटीदार, BHMS MD, पूर्व चिकित्सक डॉक्टर AT हार्ट हॉस्पिटल मुंबई, आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंबई, जिनका मोबाइल नंबर है 9406686663। डॉक्टर राम पवार MPT, राहुल प्रधान ट्रेनर, जिनका मोबाइल नंबर है 9799722021। समय प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक। क्या आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं? सिर दर्द व चक्कर आना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कंधों से अंगुलियों तक सुन्न रहना, कंधों का जाम होना, लकवा तथा चेहरे का लकवा, कमर में दर्द व छल्ले का खिसकना और नसों में दबाव, कुल्हे का दर्द व साइटिका, घुटने का दर्द, सूजन, पैरों की नसों में खिंचाव व सुन्नपन, एड़ी का दर्द। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं न्यूरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंचर, ब्लड कंपिंग, वैक्यूम कंपिंग, हॉट कंपिंग, अग्निकर्म, पंचकर्म। मंदसौर जिले का पहला सर्व सुविधा युक्त न्यूरोथेरेपी सेंटर। कमर, गर्दन एवं जोड़ों के दर्द की समस्याएं, पैरों व हाथ में झुनझुनी तथा सुन्नपन, साइटिका, लकवा, कंधे जाम, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द। नोट, घुटने व कमर दर्द के मरीज जिन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी गई है, वो पहले एक बार अवश्य संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7828718608, 9672145722। आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हमारा पता है नीम चौक मेन रोड श्यामगढ़, जिला मंदसौर। हमारा मोबाइल नंबर है 09406686663। भवानी मंडी नगर में पहली बार क्वालिटी युक्त इंदौर व जयपुर के रेंज, सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो। जैन हार्डवेयर एंड प्लाईवुड करावन वाले, सफलता के 7 वर्ष पूर्ण, ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि, मकान व फर्नीचर की डिजाइन, मटेरियल सहित कार्य, कम रेट में इंजीनियर फर्नीचर, डोर एंड विंडो फिटिंग, मॉड्यूलर किचन एसेसरीज, चिमनी, चूल्हा, पेलमेट, पर्दा फिटिंग, कोरियन, टिक प्लाई, वीनियर्स, शटिंग प्लाई, MDF, ब्लॉक बोर्ड एंड फ्लश डोर एवं WPC बोर्ड, चारकोल शीट एवं बिडिंग, सभी प्रकार के टिम्बर आइटम्स, प्लाई एवं फर्नीचर की विशाल श्रृंखला, हार्डवेयर एंड प्लाई से संबंधित किसी भी प्रकार की खरीद से पहले हमारे यहाँ सामान की क्वालिटी एवं दाम की तुलना करने के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता है जैन हार्डवेयर एंड प्लाईवुड, पावर हाउस रोड, भारत गैस एजेंसी के पास, करावन वाले, भवानी मंडी। हमारा मोबाइल नंबर है 9955007040, 9602223022। भवानी मंडी।